शराब सेल्समैन की लूट के दौरान हत्या को पुलिस ने खुलासा कर दिया। आपको बताते चले, पुलिस ने लुटेरे को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जिससे नकदी और अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। वहीं मुठभेड़ में बदमाश को गोली भी लगी। वहीं एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने बताया कि हसन अली नाम का अपराधी शातिर अपराधी है, जिसके नाम पहले भी मुकदमे दर्ज हुए। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी के फोटो से बदमाश की पहचान हसन अली के रूप में हुई। हसन अली के पास से पुलिस ने 2 लाख की नकदी, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आज रात में थाना अजमतौला क्षेत्र में हमारी थाना स्थानीय की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम चेकिंग के दौरान एक अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई। इस अपराधी को क्रैकडाउन के दौरान गोली लगने से वो घायल हुआ और उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। उस व्यक्ति की पहचान हसन अली के तौर पर हुई है। पूछताछ के दौरान उसने विगत सोमवार को थाना अजमतौला क्षेत्र में एक वाइन शॉप के कलेक्शन एजेंट के साथ गोली मारकर लूट की जो घटना हुई थी, जिसमें 6 लाख रुपए लूटे गए थे, उस घटना को इकबाल करते हुए और उसी घटना के लूटे हुए 2 लाख रुपए इससे बरामद हुए हैं। इसके पास से बिना नंबर की मोटरसाइकिल और अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। जैसा आपको याद होगा कि सोमवार को मॉर्निंग में तकरीबन 10:30 बजे अजमतौला क्षेत्र में एक व्यक्ति जो वाइन शॉप की दुकानों से पैसे कलेक्ट करके बैंक में जमा करता है, उसे गोली मारकर पैसे लूट लिए गए थे और अपराधी वहां से फरार हुआ था। हरदोई